कानपुरिया समोसे, कानपुरिया समोसे ये हैव अ बाइट प्लीज। मास्क निकालो, शूटिंग हो रही। हाँ लो सेल्फी, सेल्फी लो। अंकिता और हम लोग सब आ गए दूसरे पार, भाभी भी आ गई है। आओ लगाते डुबकी। हाँ। हर हर गंगे। ये दूसरे पार से वीडियो बना रहा, उस पार मंदिर है, घंटे की आवाज यहाँ तक आते हैं, इतने पावरफुल घंटे। लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 और 6 7 7 हाँ बस धीरे धीरे। हाँ बस 8 हो गया, चलो आ जाओ। चलो ठीक है, साथ एक मम्मी का एक्स्ट्रा। एक दो मिनट, एक दो मिनट बेटा। हाँ हर हर गंगे, हर हर गंगे। दो धीरे धीरे, डिसबैलेंस नहीं हो। 2 3 हाँ। उसको पकड़ो हाथ से। और 3 4 हो गए ना, और 3 5 शादी के साथ फेरे निभाना। 5 6 नाक बंद करो।
हो गया। हरे हरे गंगे। चलो आ भी जो साथ मजा आ गई। दो तीन चार हर हर शंभू हर हर गंगे ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः। ये हमारा पति है। छुआ दो भगवान ए बेटा अछुआ दो हम लोग अब दूसरी पार जा रहे हैं भोलेनाथ का दर्शन करने। अच्छा ध्यान में दे। अभी लास्ट मंथ हुई है। अभी ये चीज कहां पे हुई है? परमट में तो वो तो मामा थे जो अभी एक्सपायर हुए। परमट में वो मामा थे। ये ननिहाल है बेटी। परमट मेरा ननिहाल है। ये गंगा जल आप लोग देख सकते हैं शुद्ध गंगा जल। जहाँ पर शिवलिंग में गंगा जी दर्शन करने के लिए आती है तब वो सावन में पूरा शिवलिंग डूब जाता है। फिर वो जब वापस उतरती है नीचे तभी यहाँ पर सब सावन का त्योहार शुरू करा जाता है। नहीं होगी मतलब दिल्ली वाले यहाँ बहुत लोग हैं जिनका शुरुआती यहाँ से होता है। वो रात को यही आते हैं। यही आते हैं। रात को आते 12 बजे है बराबर। रोज रात को आता है दुकान बंद करके। 11 बजे क्यों ना हो दुकान बंद करके। हाँ वो आ नहीं आना है उससे माना है। बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद मिठाई ये तो सकते नहीं। दूध दूध चढ़ेगा ना। दूध दूध भी चढ़ेगा। ये जो त्रिशूल है सबसे पुराना त्रिशूल है ये ज्योतिर्लिंग का। पापा ने अंकिता और भाभी पकड़ी इस त्रिशूल को। बहुत पुराना है। मैं शिवलिंग का वीडियो नहीं निकल पाया क्योंकि वो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। बाहर तक का वीडियो ही मेरे पास है। कानपुर के परमठ में स्थित आनंदेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहां आपको हर प्रकार की मंदिरें मिल जाएंगी। अगर आपको कोई मंदिर मिल नहीं रहा है और उसको विजिट करना ज़रूरी है तो आप आनंदेश्वर धाम में वो मंदिर खोज के वहाँ पर हाजिरी लगा सकते हैं। ये देखिए ये कैंपस में सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये कानपुर के फेमस छोटे समोसे हैं। आनंदेश्वर धाम में ये मिला छोटा समोसा। कानपुर का बहुत फेमस है।
क्या है पापा ये छोटा समोसा ना? छोटा समोसा, बहुत अच्छा है। कानपुरिया समोसे, कानपुरिया समोसे ये। हैव अ बाइट प्लीज। अभी हम लोग कानपुर का फेमस ठंडे ही पीने जा रहे हैं। ठंडे ही बहुत फेमस है। कैसा है ठंडे? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।